चैनल में सुरभि इंडियन गर्ल इन यूरोप और सबसे ज़्यादा वेटिंग वाला वीडियो जो है वो आज आ गया है। बहुत मेहनत के बाद हमने अपना घर सजाया है, तो म्यूनिक में हमारा होम टूर जो है वो हम देने वाले हैं और ये घर हमने एक्चुअली बहुत प्यार से बहुत अच्छे से सजाया है, तो एक एक चीज़ आप इसको देखना। प्लस हमारे ब्लॉगिंग चैनल जो सुरभि एंड दीपक ब्लॉग्स है उसमें हमने बिहाइंड द सीन बताए हैं, तो वो भी ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बिल्डिंग, देखते हैं उसके बाद अंदर चलते हैं। घर से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें आपको बतानी है, एंड देन फिर फाइनली हमारा प्यारा कौन सा वाला घर होता है पता नहीं। और मैं टिडिंग टिडिंग टिंग इस बार नहीं करूँगी क्योंकि पहले दो होम टूर में मैं कर चुकी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं। सबसे पहले इस साइड हमारा घर है जहाँ मैंने अभी आपको इससे पहले वाला शॉट दिखाया। पीछे जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है, आपको बिल्डिंग्स पीछे दिख रही होंगी, प्लस पीछे सुपरमार्केट है, एक कॉस्मेटिक स्टोर है और बेकरी है, वो सारी चीज़ें भी बिल्कुल एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एंड एक मैं अलग से टूर दूँगी जिसमें मैं जो हमारा जो नेबरहुड है वो बताऊँगी, बट इन शॉर्ट ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये म्यूनिक पासिंग एरिया है और यहाँ पर आसपास जो है सुपरमार्केट से लेकर बहुत अच्छे अच्छे रेसिडेंशियल एरियाज, मतलब आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे घर हैं वो सब हैं इसमें। प्लस बिल्कुल बगल में जो है वो है बस स्टॉप, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना है तो हमें बस पकड़नी पड़ती है जो पीछे से दिख रही है, तो बस स्टॉप भी बिल्कुल एकदम यहीं पर है बगल में। जैसे ही एंट्री करी तो यहाँ पर है लिफ्ट और स्टेयर्स, तो दोनों ही चीज़ होती है जर्मनी में। हमारा जो घर है वो एकदम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये वाला जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा है। प्लस यहाँ पर दो घर और हैं नीचे, जो एक सामने और एक इस तरफ है। नीचे जो है वो कैलर है और पार्किंग है, तो घर के अंदर ही नीचे है, तो वहाँ चलते हैं और आपको सबसे पहले वो एरिया दिखाते हैं क्योंकि ये एरिया जो है वो इंडिया में नहीं होता कॉमनली, पर यहाँ पर जर्मनी में बहुत ही कॉमन है कैलर एरिया, जहाँ पर आप अपना जितना भी सामान है जो घर में नहीं रख सकते हो वहाँ पर स्टोर करके रखते हो, तो वहाँ चलते हैं और फिर पार्किंग दिखाते हैं। तो जैसा सुरभि ने बोला, आओ मैं दिखाता हूँ आपको कैलर और पार्किंग। हम जाएंगे स्टेयर से, आ जाएंगे लिफ्ट से, ताकि आप दोनों चीज़ देखें। इधर है कैलर। कैलर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आओ, कैलर बेसिकली इंग्लिश में सेलर बोलते हैं। ये छोटा सा स्टोरेज रूम टाइप का होता है, यहाँ पे आप अपने बैग, बॉक्सेस, टीवी के बॉक्सेस या जो भी सामान स्टोरेज वाला है वो रख सकते हो घर से अलग। अगर ऐसा एक सामान, मतलब स्टोरेज टाइप का रूम रहता है, सभी अपार्टमेंट का अपना अलग अलग। अगर आप देखोगे यहाँ पर सबके ऐसे छोटे छोटे कैलर बने हुए हैं हर अपार्टमेंट के, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब आपको डब्बे नीचे बैठ के रखने की जरूरत नहीं है। और सबके पास अपनी चाबी होती है, आओ चाबी से लॉक करो। और मेरे पीछे ये है इसका, अभी रूम लॉक है, इसके अंदर मीटर वगैरह सब है। और आओ मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ। तो हम स्टेयर से आए थे नीचे, आवाज़ गूंज रही है, खाली एरिया है, ये लिफ्ट है। अब ये एक ऐसे स्टोरेज एरिया है जहाँ पे जो क्लीनिंग वाले लोग आते हैं उनका सामान रखा रहता है। इसके आगे हम चलते हैं पार्किंग में। आ जाओ, तो ये पता नहीं लोग साइकिल वगैरह रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे ओपन स्पेस इन्होंने छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर है पार्किंग, तो ये हमारी गाड़ी है। वैसे यहाँ पर काफ़ी लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है। इस अपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग में करीबन 9 अपार्टमेंट है, तो सबकी अपनी अपनी एक एक पार्किंग है। ये वाली पार्किंग जो हमारा दोस्त अभी देख हुआ है उसकी है, खाली है, अगर किसी को चाहिए तो हम रेंट पर दे देंगे। यहाँ से एक्चुअली गाड़ी एंटर करती है, अंदर आती है, और इसका एक रिमोट होता है जो आप गाड़ी में रख सकते हो या घर पर रख सकते हो, तो उस रिमोट को बटन दबाओ तो ये शटर ओपन हो जाता है। जब बाहर से आते हैं
तो गाड़ी में बैठे बैठे स्विच ऑन करो, शटर ओपन हो जाता है और आप अंदर आ जाओ सीधा। और जर्मनी में साइकिल सबके पास होती है, इवन मुझे भी अब शौक चढ़ रहा है साइकिल लेने का। समर में तो साइकिल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, आप देखोगे सबके पास अपनी उनकी साइकिल्स हैं, तो यहाँ पर साइकिल रख सकते हो, सेफ्टी का कोई इशू नहीं, अंडरग्राउंड पार्किंग है तो सेफ रहती है, मतलब सेफ इन द सेंस कि वेदर के हिसाब से, सुबह सुबह स्नो नहीं हटानी पड़ती विंटर में, उस हिसाब से अच्छी रहती है। अब आपको लेके चलते हैं ऊपर। यहाँ से पार्किंग से आए, कभी भी सामान लेके आते हैं तो सीधे पार्किंग से अपनी गाड़ी में जो भी सामान होता है वो लेके आते हैं, लिफ्ट में रखते हैं और अपने फ्लोर पे चले जाते हैं। अब लिफ्ट पे चलते हैं, हमारा घर देखते देखते देखो बारिश आ गई। बाथरूम है इस साइड में एंड सीधी जो एकदम सामने दिख रहा है वो है बेडरूम। और ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हम अपना इधर जैकेट्स वगैरह, क्योंकि ठंड में बहुत मोटे मोटे जैकेट्स होते हैं तो ये वार्डरोब में हम जैकेट्स वगैरह रखते हैं। यहाँ पर समर्स होती हैं तो समर्स में अपने शूज वगैरह या बाकी का सामान जो है वो रखते हैं। अभी हमने यहाँ पर मिरर लगाया है पर हमें इसे चेंज करना है थोड़ा सा, ये पुराने घर में हमने कुछ मिरर्स खरीदे थे तो वो है। और नीचे शूज वगैरह बिकॉज कोई लोग आता है उन्हें बैठ के करना होता है। एंड देन उसके बाद ये तो ये है हमारे गणेश जी जो हमने एकदम एंट्री में रखे हुए हैं ताकि इनकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमें मिलती रहे हमेशा। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना लिविंग रूम। तो आगे मैंने किया टेक ओवर, आओ मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लिविंग रूम। तो भाई साहब ये है मेरे और सुरभि के लिए बेस्ट जगह, मतलब क्या बताएं, आजकल हमें छुट्टियाँ भी पसंद नहीं है, हमें यहाँ रहना पसंद है। तो जैसे ही आप लिविंग रूम में एंटर करते हो राइट साइड में है किचन, ये ओपन किचन है जो हमें बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी और सुरभि की चॉइस हमेशा थी कि यार ओपन किचन, क्योंकि क्या होता है ना जब सामने आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, अगर कुछ बना भी रहे हो, इवन चाय भी बना रहे हो सुबह, तो लगता नहीं है कुछ आइसोलेटेड से हो, कहीं एक अलग किचन में घुसे हुए हो। तो यहाँ किचन में अगर आप देखोगे जनरली जो किचन्स होती हैं वो या तो आपको जर्मनी में ख़रीदनी पड़ती है जैसे हमने बताया अगर आप रेंट पे शिफ्ट होते हो, या ऑलरेडी रहती है। तो यहाँ पर किचन थी लेकिन जो ओनर उसको सेल करना था इसलिए हमने ये किचन ख़रीद ली थी। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो वो हमने ख़रीद लिया बेसिकली। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर है ओवन जो बहुत काम आता है, आज ही हमने मस्त दाल बाटी खाई है, आप हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हो, तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये है फ्रिज, फ्रिज जरूर छोटा है पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रिज के बाद अगर मैं बात करूँ ये है डिशवॉशर। बेसिकली ये डिशवॉशर सेम था, सेम कलर का था लेकिन हमारा डिशवॉशर ख़राब हो गया था तो ये हमने दूसरा डिशवॉशर खरीदा और इसको फिट भी हमने खुद ही किया है। उसके बाद ये एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है इधर, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अगेन इसके बारे में सुरभि ने आज बताया था, मिक्सर विक्सर जूसर ग्राइंडर तो है ही, उसके अलावा आटा मारने वाली मशीन है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर इधर अगेन माइक्रोवेव, छोटा मोटा स्टोरेज, ये लाइट मैंने खुद ही लगाई है, यहाँ पर लाइट नहीं थी पहले तो अच्छी लगती है मुझे लाइट इधर उधर लगाना, ये लाइट मैंने खुद से असेंबल की है पूरी। और ये जो ब्लैक आप पेपर देख रहे हो वॉलपेपर, ये भी हमने खुद ही लगाया है, ये पहले यहाँ पर नहीं था, ये पूरा वाइट था और ये गंदा हो जाता है उससे, तो ये अच्छा भी लगता है और सेफ भी रहती है। और ये है कुकिंग काउंटर,
यहाँ पर इंडक्शन है, चार हॉब वाला इंडक्शन है ये। राइट साइड में बहुत बड़ी विंडो है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हमारी जो इंडियन कुकिंग है उसमें इतनी स्मेल आती है यार खाना बनाने में कि कोई आता है तो घर में स्मेल सी भर जाती है, इसको खोल दो सारी स्मेल गायब। ये है चिमनी, बेसिकली इसमें लाइट्स भी हैं जो सभी जगह रहती हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है थोड़ा सा। ये एक थोड़ा सा चाय काउंटर है, अगर आपको खड़े होकर चाय पीनी है, बातचीत करनी है या कुछ और पीना है तो उसके लिए काम की चीज़ है। और उसके राइट साइड में इधर है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, और इधर है हमारा छोटा सा प्यारा सा बार। तो घर और बार दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पहले ज़्यादा शौक था इन चीज़ों का, कुछ इतना ज़्यादा शौक नहीं है, पर यूज़फुल चीज़ है क्योंकि फ्रेंड्स आते रहते हैं तो कॉमन है ये चीज़ यहाँ पर। यहाँ पर है दो बार स्टूल। सुबह सुबह जब मैं चाय बनाता हूँ तो सुरभि यहाँ बैठ के बढ़िया चाय पीती है, और जब सुरभि चाय बनाती है तो मैं यहाँ बैठ के चाय पीता हूँ, तो हम गप्पे मारते रहते हैं अपना। सुबह की शुरुआत हमारे यहाँ से होती है। अगेन ये जो काउंटर में जो लाइट लगाई हुई है ये भी मैंने ही लगाई है, क्योंकि मैंने मुझे लाइट्स का और प्लांट्स का, सुरभि को प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे लाइट्स का। तो ये ज़्यादातर लाइट्स स्मार्ट लाइट्स हैं, गूगल से कंट्रोल कर सकते हो आप। मैं बेसिकली एलेक्सा से भी होती है लेकिन मुझे गूगल ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैंने ज़्यादातर लाइट्स लगाई हैं जो गूगल से कंट्रोल होती हैं। तो ये एक वो लाइट है। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारा एक प्लांट है, मोस्टेरा प्लांट। ये ज़्यादातर प्लांट्स हमारे यहाँ पर घर में सारे के सारे ओरिजिनल प्लांट हैं। एक आप जैसे ये है, ये फेक प्लांट है, बाकी सारे ओरिजिनल प्लांट हैं। फिर किचन से आगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर है सुरभि की डेस्क। सुरभि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करती है तो ये उसकी डेस्क है लिविंग रूम में, जो कि एडजस्टेबल डेस्क है, तो इसको आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो, विच इज़ वेरी कॉमन नाउ। फिर अगर मैं राइट साइड में आता हूँ तो ये हमारी फोर सीटर डाइनिंग टेबल, जो हमने बड़ा ढूंढ के और बड़ा रिसर्च करके और जैसे तैसे ये ढूंढ के निकाली थी, हमें बड़ी अच्छी लगती है वाइट। चेयर्स भी हमने इसकी मैचिंग की खरीदी थी, और ये कॉर्नर बड़ा अच्छा लगता है, मतलब चार लोगों के लिए इजीली आप यहाँ पर लंच डिनर कर सकते हैं। प्लस एक और विंडो जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस घर का, वो है ये है कि ओपन एरिया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी विंडोज हैं इस घर में कि आपको रोशनी डे लाइट इतनी अच्छी आती है। अभी 4:30 बज गए हैं, विंटर आ गई है ऑलमोस्ट, तो अंधेरा होना शुरू हो गया है, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई तो बाहर बहुत डार्क है, लेकिन ये विंडोज से बाहर ग्रीनरी दिखती है, गार्डन दिखता है, हम आपको दिखाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के लंच करना या इवन डिनर करने के लिए। और लेफ्ट साइड में जैसा कि हमारे घर में प्लांट्स, लाइट्स और मिरर्स तीन चीज़ भरी पड़ी हैं, तो ये एक बड़ा फुल लेंथ मिरर है जो सुरभि को हमेशा से चाहिए था। इवन लगाने के बाद मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, एक तो दो रीज़न, एक तो घर बड़ा लगता अच्छा लगता है देखने में, और मिरर का यूज़ तो यूज़ है ही। उसके बाद अगेन एक और प्लांट, ये भी ओरिजिनल प्लांट है यहाँ पर। और इस साइड है हमारा सिंगल सीटर सोफ़ा, ये एक्चुअली वो सोफ़ा है जो सबसे, मतलब जब मैं जर्मनी आया था सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे यही खरीदी थी, ये सोफ़ा, और ये मैंने सेकेंड हैंड लिया था उस टाइम पे, पर बहुत कंफर्टेबल है, मुझे मन ही नहीं किया इसको निकालने का। सुरभि भी इस पर बैठती है तो बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सोफ़ा है ये, और लकीली थोड़ा बहुत ही हमारे नए सोफ़ा से मैच भी करता है, मैचिंग। तो अब मैंने टेक ओवर ले लिया है क्योंकि मुझे ये एरिया जो है वो सबसे अच्छा लगता है। तो दीपक ने उस साइड वाला सारा एरिया बता दिया, अभी इस साइड जो है वो हमने ये जो लैंप है जो आपको दिख रहा है गोल्डन एंड ब्लैक कलर का, ये हमने आइकिया से बहुत ज्यादा ढूंढ के लिया था, क्योंकि एक जो लैंप होता है ना उससे बहुत सुंदर लुक आ जाता है। तो आप भी अगर घर में बड़े लैंप्स लगाओ ना, थोड़े खूबसूरत वाले, तो उससे बहुत सुंदर लग जाता है पूरा, मतलब पूरा जो लुक है वो बहुत अच्छा आ जाता है। जो टेबल देख रहे हो, उसके ऊपर का कवर देख रहे हो, वो सारा ही मैचिंग वाला है, ताकि ये गोल्डन और ब्लैक का जो है वो पूरा फील आए यहाँ पर, प्लस थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो घर दिखने लगे। तो ये जो है वो प्रीमियम फैक्टर जो है वो घर में दे रहा है। फिर है ये सोफा, तो ये सोफा भी एक्चुअली बहुत बड़ा है, बिकॉज ये हॉल बहुत बड़ा है तो इसलिए उसकी वजह से छोटा दिखता है, बट ये सोफा बहुत बड़ा है, और ये बेड कम, मतलब बेड भी बन जाता है, बेड कम सोफा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये हमें बेज कलर में लेना था एज पर हमारी थीम, लेकिन आपको शायद मैंने एक आध रील में बताया है कि जर्मनी में अगर आप कोई भी कलर चूज करते हो स्पेसिफिक,
तो यहाँ पर डिलीवरी टाइम जो होता है वो 2 से 3 महीने हो जाता है, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो इसलिए हमने सोचा चलो ग्रे ही कलर ले लेते हैं, और ग्रे कलर जो होता है वो सबसे सेफ होता है। तो कभी हमने घर चेंज किया तो आई थिंक दिस विल फिट रियली बेटर। फिर इसके पीछे जितने भी आपने ये कवर देख रहे हो, ये भी हमने बिकॉज हमें ब्लैक गोल्डन थीम रखनी थी, तो हमने ब्लैक गोल्डन जो है ये कवर ढूंढ ढूंढ के, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के जो है वो हम लाए थे, और फिर हमने इसको इस एरिया को सजाया। ये जो टेबल है हमारा, ये हमारे पुराने घर का ही टेबल है, मतलब कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर पाए, उसमें से एक चीज है ये टेबल, बट ये फिर भी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसमें जो है वो स्टोरेज है अंदर, प्लस दीपक और मैं जो है वो खाना टीवी के सामने देख कर खाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर थाली वाली रख के एंड देन खाना खाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका कि आप इसको टेबल भी, मतलब खाने वाला टेबल भी बना सकते हो। तो एक और विंडो है यहाँ पर, तो एक दो दीपक ने बताई, और थर्ड विंडो ये है जो कि बहुत बड़ी विंडो है। अगेन इसकी वजह से जो पूरा हॉल है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, चाहे वो कोई भी टाइम हो रात में, जब तक बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पर लाइट रहती है, जो जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विंटर्स में ऑफकोर्स 4-4:30 बजे जो है वो अंधेरा हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर घर में। अब मैं आपको उस तरफ लेके चलती हूँ, ये जो पार्ट है ये दीपक को बताना चाहिए था, बिकॉज ये दीपक का फेवरेट पार्ट है, और आपको जैसा दिख रहा होगा मेरे से थोड़ी सी ही छोटी है टीवी। एक काम करते हैं, दीपक ही बताएगा, उसका फेवरेट पार्ट है, तो दीपक ही बताता है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ओके, तो ये वो चीज है भाई साहब जो हमारे लिए बड़ी जरूरी है। हमारा वीकेंड मतलब मस्त, रात को हमें मेरे ख्याल में प्रॉब्लम हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन रात को एक ना एक डेली मूवी देखते ही हैं, एक मूवी पूरी। तो हम बड़े शौकीन हैं मूवी देखने के और टीवी देखने के। तो इधर है 75 इंच की MI टीवी, अभी मैंने ये कुछ दिन पहले ली, उससे पहले 55 इंच की LG टीवी थी। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो 75 इंच की टीवी हमने यहाँ पर ली है। उसके पास ये हमारा टीवी यूनिट है जो पुरानी टीवी के हिसाब से था, और अब इसके हिसाब से काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ये 3 पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, और ये पेंटिंग लगाने के लिए कोई हमने ड्रिल वगैरह नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे जब आप घर छोड़ते हो ना, तो पेंट करके साफ सुथरा अच्छी हालत में देना पड़ता है। इसके लिए मैंने टेसा क्लिप्स यूज़ किए हुए हैं कि आप इनको निकालोगे तो वॉल पे कोई मार्क नहीं पड़ता। अगेन मैंने बताया था, इधर एक प्लांट है, इधर एक और प्लांट है, ये भी ओरिजिनल प्लांट है। पीछे हमारा कुछ फेक लीव्स प्लांट टाइप के रखे हुए हैं। यहाँ पे अगेन एक और लैम्प है, जैसा मुझे हमेशा से शौक है लाइट का। और इधर ही हमारे ये जो कैबिनेट है, इसके अंदर हमारा छोटा सा मंदिर है, जो अभी हमारे भगवान आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, इसलिए अभी ये बंद है। तो जब हम पूजा करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो हमारा ये वाला कॉर्नर है। तो मंदिर दीपक ने बता दिया। अब ऐसा फैक्टर जो मिलना बहुत ही मुश्किल है म्यूनिक में, वो दिखाने जा रही हूँ मैं। ये इतना बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से हम इस घर को मना कर ही नहीं पाए। तो चलो हम लोग आपको दिखाते हैं अपना गार्डन, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलते हैं बाहर। तो ये स्लाइडिंग वाला डोर है, बिल्कुल ओपन पूरा हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है जर्मनी के घर में। और यहाँ पर ये इतना बड़ा, इसकी वजह से भी बहुत प्रीमियम लुक आता है, प्लस फ्लोर जो है वो भी बहुत अप फ्लोर है, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छा लगता है मुझे घर ये वाला। चलो आओ आओ जल्दी। ये है हमारा गार्डन, ये हमारा गार्डन जो है ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमने देखो, वैसे तो अभी बारिश हो रही है, पर हमने यहाँ पर अपनी टेबल्स जो है वो सेट कर रखी हैं। तो दीपक और मैं कोशिश करते हैं कि हम सुबह की चाय और शाम की चाय जो है वो यहाँ बैठ के पिए। और आपको यकीन नहीं होगा, इस पर्टिकुलर जगह में जो बैठते हैं ना, उसमें इतना अच्छा लगता है, क्योंकि चिड़िया जो है वो ची ची करती रहती हैं, घूमती फिरती रहती है, ऐसा लगता है आप काइंड ऑफ पचमढ़ी वाला फील कि हम पचमढ़ी में कहीं बैठे हैं, बहुत ही नेचर से भरपूर कोई जगह पर बैठे हैं, बहुत ही अच्छा फील आता है। तो यहाँ पर भी जो है ये गार्डन जो है वो हमारा ही है, तो हम यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो यही बोलते हैं कि तुम लोग तो यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हो। हमने यहाँ पर जो है वो ज़्यादा कुछ सजाया नहीं है, जो पुराना हमारा फर्नीचर था वो ही रखा हुआ है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत सजाने की। उसमें से एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
वो है ये, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा बार वाला लुक देने लगता है रात में, और हम फ्रेंड्स वगैरह ये दीपक और मैं बहुत बार यहाँ पर बैठे रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग की वजह से बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये हमारा सोफ़ा भी बहुत कम्फर्टेबल है। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं अपना वॉशरूम और फिर उसके बाद बेडरूम। थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल हॉल से पहुंच के ये है इस तरफ वॉशरूम। आपको लग मतलब ये वॉशरूम भी मुझे मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि ये वॉशरूम जैसा नहीं लगता मुझे, बहुत ऐसा लगता है कि यार मतलब अच्छा लगता है मुझे बहुत। और ये लाइट जो है ये भी हमने लगाई है ताकि हम जब भी अपना जो सिंगार है वो करें, जो मैं अपना सिंगार है वो करूं, तो उसके बाद मुझे ये जो है बहुत अच्छे से दिखे सारा मेकअप वगैरह या जो भी मैं स्किन केयर कर रही हूँ। तो इस वजह से ये लाइट स्पेशली दीपक से बोल के मैंने लगाई और ये बहुत ज़्यादा वॉट वाली है। तो दीपक बोल भी रहा था कि अब जर्मनी में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं तो सुबह से बंद रखा करो। चलो हम बंद कर देते हैं, पर हाँ ये पार्ट तक है जो बहुत अच्छी बात है और ये हमारे रिलैक्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब विंटर्स होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि यू नीड सम थेरेपी, तो दिस इज इट, ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। प्लस एक और चीज़ जो जनरली नहीं होती है कि अगर बाथटब होता है तो लोगों का जो नहाने वाला स्पेस होता है, बाथिंग जो स्पेस होता है वो नहीं होता है, तो यहाँ पर बाथिंग स्पेस अलग से है जो कि भी बहुत बड़ा है। तो ये भी है, ये भी है। अब आप सोच रहे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहाँ है, तो वो है यहाँ पर। एक और जरूरी चीज, क्योंकि जर्मनी में आप जनरली मसाज वगैरह नहीं कराते हैं ना क्योंकि बहुत महंगा होता है, तो यहाँ पर हमारा मसाजर भी रखा है, बहुत ही काम की चीज है मसाजर। ये अमेजोन से मंगाया था, इसकी लिंक मैं छोड़ दूंगी, मस्त मसाज कर देता है ये। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वाह हमारा बेडरूम और बेडरूम के सामने वाला जो नज़ारे हैं वो। चलो आइए आइए आइए, कम ऑन गाइस कम ऑन। एक्चुअली बेडरूम के कारण ही जो है ये टूर जो है वो बहुत लेट आया है क्योंकि हमारी अलमारी जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऐसा हो रहा था कि हम ऑर्डर कर रहे थे तो डिले हो जा रहा था, कभी हम नहीं अवेलेबल थे, कभी वो लोग नहीं आ पा रहे थे इस वजह से। पर ये है हमारा बेडरूम जो कि इधर पर है, अगेन बहुत बड़ी ये विंडो कम डोर समझ लो। यहाँ से जब आप इसे भी पूरा खोल के एंड ये गार्डन व्यू भी आप जो है वो एंजॉय कर सकते हो, सीधे जो है वो रोजमा मेडिका है। और जब मैं दीपक से नाराज़ हो जाती हूँ तो मैं यहीं से निकल लेती हूँ और दीपक भी यहीं से निकल लेता है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है यहाँ पर। और इसके बाद इस तरफ विंडो है जिसकी वजह से ये भी जो रूम है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगता है और सुबह सुबह जो सन है वो यहाँ से आता है तो एकदम जो सुबह सुबह की जो सन वाली रोशनी है वो यहाँ पर आती है, बहुत अच्छी बात है। और ये हमने बहुत ही बेज टाइप का जो है वो बना रखा है। और ये तस्वीरें आपको याद होगी, हमारा जो पुराना घर है शबिश गुमुन वाला जिसमें आपने बहुत पसंद किया है वो वीडियो, उधर ही का है। तो ये हमने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि ये हमने बहुत प्यार से बनाया था एंड दिस इज़ वी, तो इस वजह से हमने चेंज नहीं किया। यहाँ हमने थोड़े फ्लावर्स से सजा रखा है। यहाँ पर हमारा ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर जर्मनी में ज़रूरी होता है स्पेशली विंटर्स में, तो इसलिए ह्यूमिडिफायर है। यहाँ अगेन हमने कुछ फेक जो है फ्लावर्स वगैरह उससे सजा रखा है
एंड ये जो है वो है प्लांट, ये असली प्लांट है। एक और चीज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, तो ये जो बेड है ये स्टोरेज वाला बेड है, तो ये खुल जाता है और इसमें बहुत सारा जो है वो स्टोरेज है रखने के लिए, उस तरफ भी और इस तरफ भी। प्लस बेड भी जो है वो हम जब यहाँ पर घर में शिफ्ट हुए उसके बाद ऑर्डर किया, बहुत ही कंफर्टेबल बेड है। इसकी भी लिंक हम छोड़ देंगे अगर आपको ऑर्डर करना है तो। ये टेम्प्रेरी सेटअप है बिकॉज ऑफ कोर्स हम सब होम ऑफिस में आ गए हैं, तो कभी कभी दीपक को भी जो है वो घर से काम करना होता है कभी कभी, तो इसलिए बहुत ही टेम्प्रेरी सेटअप है। बहुत जल्दी ये जो है वो हट जाएगा और यहाँ पर अच्छे अच्छे प्लांट्स आ जाएंगे। एंड दिस इज हमारा जितना भी सामान है वो सब यहाँ पर आता है, तो ये भी हमने बहुत सोच समझ के किस तरीके की वार्डरोब होनी चाहिए वो देख के, और हमने ये वाली ली जो बहुत अच्छी लगी, स्लाइडिंग वाली है ये, तो इसलिए स्पेस जो है वो ज़्यादा वो कवर नहीं करती है, बहुत ही अच्छा है। उधर दीपक का सामान है एंड बाकी सारी जगह मेरा सामान है ऑफकोर्स। और ये है हमारा गूगल जो ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से सुन लेता है सब चीज़, तो रात में जनरली हम लोग जो मेडिटेशनल सॉन्ग है या सुबह उठते हैं तो हम गूगल से बोल देते हैं हे गूगल प्लीज प्ले दैट सॉन्ग, सुन लिया उसने। तो ये सारा जो है वो दीपक ने जो है वो सेटअप कर रखा है। चेक आउट दिस लियन स्मिथ डांस स्टेशन ऑन YouTube म्यूजिक। ओके गूगल स्टॉप। और ये भी बिकॉज हे गूगल स्टॉप, गूगल बावरा भी हो जाता है कभी कभी हमारा। ये भी हमने जो है वो बहुत देख के, घास फूस लग रहा होगा आपको बट ये पूरा जो थीम है ना ये बहुत अच्छे से उसके साथ जाता है, तो हर एक चीज़ जो प्लेस करिए यहाँ पर वो बहुत सोच समझ के करिए। एंड देन तो ये है हमारा हाउस टूर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद हम ये पॉसिबल कर पाए और बारिश भी हो गई। हाँ यार आज मतलब हमने सोचा था चलो यार सुबह दोपहर में धूप थी, सुरभि ने बोला आज मस्त ब्राइट दिन है आज वीडियो बनाते हैं घर का, पर डार्क हो गया सब मतलब अंधेरा हो गया, तो पता नहीं कितना मजा आया होगा लेकिन हमें बड़ा मजा आया ये वीडियो बनाने में। आपको हमारा घर कैसा लगा वो जरूर कमेंट करना, हम सुनना चाहेंगे, और कुछ आपके फीडबैक्स हो जैसे कुछ चेंज वेंज कर सकते हैं वो वगैरह वो बताना। फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, अगर कुछ चीज आपको लगती है यार कि यार ये कर दो ऐसा करो वैसा करो जरूर बताना। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर बताना, कोई लिंक हो कुछ अच्छी चीजों की वो हमसे शेयर करना। और बाकी थैंक यू गाइस, और मतलब हम अपना प्राइवेट स्पेस आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत खुश हो गए क्योंकि आप हमारे पार्ट हो लाइफ का, और होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। दीपक रेंट भी बता दिया जाए, लोगों का एक क्वेश्चन जरूर होगा कि म्यूनिक रेंट बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तो हम रेंट जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दैट्स द रीज़न ये जो घर है वो है टू जिम्बर अपार्टमेंट इसे बोलते हैं। एक्चुअली दीपक अपन ने ये बताया नहीं, तो टू जिम्बर अपार्टमेंट मतलब होता है एक हॉल एक किचन और एक बेडरूम, तो टू जिम्बर मतलब ये नहीं होता टू बी एच के, टू रूम और एक हॉल। टू जिम्बर मतलब ये हॉल को भी जो लिविंग रूम है उसको भी एक रूम मानते हैं। हाँ, तो हमारा एक हॉल है एक बेडरूम है एक किचन है और एक बाथरूम है, तो ये है हमारा, और इसका रेंट कितना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग गैस जरूर कर सकते हो कि म्यूनिक में इस पर्टिकुलर घर का रेंट कितना होगा, गार्डन भी प्लीज कंसीडर करो, और ये कितने क्वाड्रेंट मीटर का है वो भी हम बताएंगे। ये है 72 क्वाड्रेंट मीटर। हाँ 72 क्वाड्रेंट मीटर का है एरिया पासिंग है। बाकी अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग बहुत सुंदर सुंदर हमारे वीडियो में जरूर कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि जर्मनी में इंडियंस जो है वो कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, है ना। और दीपक चले बस, मैं तो बढ़िया खूब मेहनत करके वीडियो बनाया, आप देखते हैं। हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेबरहुड बताएंगे आपको क्योंकि वो भी बहुत अच्छी जगह है बहुत अच्छी चीजें हैं, तो वो बताएंगे, बट अभी के लिए यार बहुत बड़ा वीडियो हो गया, तो बाय 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 बाय।